चिकित्सा परमो धर्म की बात को चरितार्थ करते हुए हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विकास मिश्रा ने एक मरीज का THR यानी कि टोटल हिप रिप्लेसमेंट जैसा महत्वपूर्ण ऑपरेशन किया, बल्कि उस मरीज के खाने पीने तक का भी पुख्ता इंतजाम कर मानवता एवं आज के चिकित्सकों के प्रति लोगों की सोच को भी बदलने का काम किया है। कूल्हे का प्रत्यारोपण करना बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है, लेकिन बहराइच मेडिकल कॉलेज अस्पताल के प्रसिद्ध हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विकास मिश्रा ने यह कर दिखाया है। नेपाल की रहने वाली द्रौपदी देवी, जिनकी उम्र लगभग 60 वर्ष है, उनका न सिर्फ ऑपरेशन किया बल्कि उसके खाने पीने से लेकर दवा तक की व्यवस्था भी की। महिला के सफल ऑपरेशन के बाद अब उसे चलने फिरने में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। ऑपरेशन करने के बाद डॉक्टर विकास मिश्रा ने बताया कि महिला का कूल्हा पूरी तरह से टूट कर गल गया था, जिसका एकमात्र इलाज कूल्हे का प्रत्यारोपण करना ही था। 20 सालों से बीमार महिला का शहर के RK हॉस्पिटल में कल रात सफल ऑपरेशन किया गया। डॉक्टर विकास मिश्रा की कृपालुता की सर्वत्र चर्चा पूरे जनपद में हो रही है। खबर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से है, जहां पर कोरोना महामारी के लंबे समय के बाद AMU पूरी तरीके से बंद पड़ा हुआ है। जहां सरकार धीरे धीरे शिक्षा के मंदिर सहित तमाम तरह के विश्वविद्यालय खोलने की ओर अग्रसर हो रही है, तो वहीं AMU को खोलने की मुहिम अभी तक सरकार के द्वारा नहीं की गई। इसको लेकर लगातार छात्रों का गुस्सा बढ़ता नजर आ रहा है। छात्रों के द्वारा एक पत्र लिखते हुए VC से मांग की गई है, जिसमें अंधकार में जा रही शिक्षा को पूरी तरीके से बचाया जा सके और लंबे समय से बंद पड़े अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को खोलने की शुरुआत हो सके। इसके लिए AMU के छात्रों के द्वारा आज एक लेटर प्रॉक्टर वसीम अली को सौंपते हुए कहा गया है कि जिस तरीके से लंबे समय से विश्वविद्यालय बंद पड़ा हुआ है, कहीं न कहीं शिक्षा के मंदिर का हनन हो रहा है। जहां सरकार के द्वारा कोरोना के बीच भी मदिरालय को खोलने का काम किया गया, लेकिन क्या शिक्षालय नहीं खुल सकता, इसको लेकर छात्रों में आक्रोश व्याप्त है। अयोध्या में नगर निगम पर जबरन जमीन कब्जा करने का आरोप लगा है। दुर्गा पूजा स्थल को निगम अपनी जमीन बता रहा है। स्थल संबंधित मुकदमा न्यायालय में लंबित चल रहा है। माँ दुर्गा पूजा जन कल्याण समिति के सदस्यों ने नगर निगम पर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि कोर्ट का निर्णय आए बिना अयोध्या नगर निगम प्रशासन दुर्गा पूजा स्थल पर कब्जे करने का प्रयास कर रहा है। उस जगह की बाड़बंदी कराई जा रही है। प्रतिवर्ष विवादित स्थल पर आयोजित दुर्गा पूजा महोत्सव होता था। माँ दुर्गा पूजा जन कल्याण समिति की ओर से अमानीगंज लक्ष्मणपुरी कॉलोनी में प्रत्येक वर्ष शारदीय नवरात्र में माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित होती थी। अयोध्या नगर निगम के इस तानाशाही रवैये से स्थानीय लोगों में आक्रोश है। खेलों से युवाओं में शारीरिक मानसिक विकास के साथ सामाजिक सद्भावना और आपसी प्रेम की भावना विकसित होती है। सरोजनी देवी स्मारक प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर जिला वॉलीबॉल संघ अयोध्या द्वारा 3 दिवसीय राज्य स्तरीय वॉलीबॉल खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता का आयोजन अशर्फी भवन चौराहा स्थित श्याम क्लब के मैदान में हो रहा है। खेल प्रतियोगिता में पुरुष और महिला दोनों वर्गों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। वॉलीबॉल प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए प्रदेश के कई जिलों की टीमें आई हैं, जिसमें पुरुष और महिला वर्ग मिलाकर 6 टीमें गोरखपुर, बनारस, मेरठ, आगरा, बुलंदशहर, लखनऊ और जौनपुर जिलों से प्रतिभाग कर रही हैं। अयोध्या में समाजवादी व्यापार सभा ने आज एक मंडलीय सम्मेलन के माध्यम से आने वाले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को जिताने का संकल्प लिया। शहर के देवकाली बाईपास के निकट एक गेस्ट हाउस में समाजवादी व्यापार सभा के मंडलीय सम्मेलन को बतौर मुख्य अतिथि के रूप में व्यापार सभा के प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व मंत्री संजय गर्ग ने शिरकत की। कार्यक्रम के आयोजक व समाजवादी व्यापार सभा के जिला अध्यक्ष सुजीत जायसवाल ने मौके पर आए हुए अतिथियों का स्वागत किया। इस मंडलीय सम्मेलन कार्यक्रम का संचालन जिला उपाध्यक्ष व अयोध्या विधानसभा प्रभारी मनोज जायसवाल ने किया और मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह देकर उनका स्वागत किया गया। कार्यक्रम के दौरान व्यापारी नेता नंदू गुप्ता व बद्री त्रिपाठी ने अयोध्या के व्यापारियों के साथ प्रदेश अध्यक्ष संजय गर्ग को एक ज्ञापन दिया, जिसमें व्यापारियों के दुकान व मकान जो 4 लेन में जा रहे हैं, उसके बदले वहां का व्यापारी दुकान के बदले दुकान व मकान के बदले मकान चाहता है, इससे संबंधित ज्ञापन सौंपा गया।